हर साल की तरह इस साल भी इंडिपेंडेंस डे धूमधाम, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही भारत सरकार द्वारा हर एक नागरिक के मन में देश प्रेम जगाने के लिए अनगिनत प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसके अंतर्गत ही हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इंडिपेंडेंस डे से जुड़े हुए 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, लेकिन गांधी जी इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वे इस समय कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम के दंगे रोकने में लगे हुए थे। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तब भारत का कोई भी राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन बंगाली भाषा में लिखा था, लेकिन 1950 में ही इसे हमारे देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। हर इंडिपेंडेंस डे पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। ऐसा कहा जाता है कि हमारा तिरंगा सबसे पहले पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। इसमें दो रंग थे, लाल और हरा, जो कि दो प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए सफ़ेद पट्टी पे चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था। 15 अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपीज़ पर 10 ग्राम था, और 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता भी दी गई थी। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कॉन्गो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। धन्यवाद। ऐसी ही रोचक जानकारियां जानने के लिए बने रहिए साची बात यूट्यूब चैनल पर।